सो हे गाइस, इट्स मोहित एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट ट्वीट मीम्स। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए वीडियो शुरू करता हूं। ओके तो यहां पर गाइस सबसे पहले आपका ट्विटर पर अकाउंट होना चाहिए। तो गाइस अगर आपका ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली अकाउंट पहले बना लो, फिर इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। ओके ट्विटर पर अकाउंट बनाने के बाद गाइस हम यहाँ पर अपना ट्विटर अकाउंट पहले ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद आपको इस सिंपली थ्री डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है एंड फिर आपको क्लिक करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पर एंड फिर आपको क्लिक करना है डिस्प्ले एंड साउंड पर एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ये डार्क मोड ऑफ होगा, लेकिन आपको इसे ऑन कर देना है। तो गाइस मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा और आप समझ पाओगे कि मैंने ये पहले क्यों किया। एंड इतना करने के बाद गाइस हम यहाँ पर सिंपली बैक कर लेते हैं एंड बैक करने के बाद आपको सिंपली नीचे जो प्लस का आइकॉन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पंख का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कोई भी शायरी मीम्स हो कुछ भी आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है या आपको लिख लेना है। हालांकि मैंने अभी कॉपी करके रखा हुआ है तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइस आपको याद रखना है कि आप जो भी मीम्स लिखो या कोटेशंस लिखो उनके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। अगर आप गैप नहीं रखोगे तो भाई जो आपकी मीम्स है वो अच्छे से पढ़ने में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैप दे देते हैं कुछ इस तरह। तो अभी हमने यहाँ पर गैप दे दिया है। ओके इतना करने के बाद गाइस आपको लास्ट में एक और गैप देकर डॉट लगा देना है। आप यहाँ पर दो गैप भी दे सकते हो गाइस जिससे कि और अच्छे से एडिट हो पाए। तो इतना करने के बाद गाइस हम इसे ट्वीट कर देंगे। ट्वीट करने के बाद यहाँ पर आपने जो मीम्स बनाया होगा या फिर जो पोस्ट लिखी होगी या कोटेशंस लिखे होंगे वो हो जाएंगे ट्वीट। ट्वीट होने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जाना है एंड सबसे ऊपर जाने के बाद आपका ट्वीट जो होगा वो सबसे ऊपर आ चुका होगा। तो अभी हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं गाइस, ये रहा हमारा ट्वीट एंड अब आपको अपने ट्वीट पर सिंपली क्लिक करना है एंड ट्वीट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपका ट्वीट ओपन हो चुका है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक स्क्रीनशॉट लेना है अपने ट्वीट का, जिससे कि आप ट्वीट मीम्स बना पाओगे या फिर कह सकते हो ट्वीट कोटेशंस बना पाओगे। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसे यहीं से पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह क्रॉप कर लेना है। तो अभी हमने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है एंड गाइस क्रॉप करने के बाद अब आपको क्या करना है। तो गाइस क्रॉप करने के बाद जैसा भी आपका शायरी है मीम्स है उसका जो मूड है, अगर फ़नी है तो कुछ फ़नी बैकग्राउंड, अगर कुछ रोमांटिक है तो रोमांटिक बैकग्राउंड, उस टाइप का बैकग्राउंड आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैं यहाँ पर पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डाउनलोडिंग प्रोसेस आपको नहीं बता रहा, इतने स्मार्ट तो आप हो ही कि आप डाउनलोडिंग खुद से कर सकते हो। ओके इतना करने के बाद आपको सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो अभी हम सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करते हैं। तो गाइस अभी हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर एडिट अ फोटो पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेनी है। तो अभी हमने यहाँ पर ये बैकग्राउंड इंपोर्ट किया हुआ है एंड गाइस इतना करने के बाद हम इसे सिंपली क्रॉप कर लेते हैं इंस्टाग्राम के स्क्वायर पोस्ट के साइज में। तो यहाँ पर हम स्क्वायर सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मैं इसे कुछ इस तरह क्रॉप करता हूँ कि ये रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करे। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको पता होगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं तो आप उनसे जाकर देख सकते हो। ओके एंड अब हम इसे टिक कर लेते हैं एंड गाइस क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट के टूल पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट के टूल पर क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर्स को आगे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड आपको जाना है फिर कलर्स के ऑप्शन पर एंड कलर्स के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको कलराइज पर क्लिक करना है एंड कलराइज पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर यहाँ पर पसंद लगे आप उसे यहाँ से ह्यू से चेंज कर सकते हो एंड उसे रख सकते हो एंड इसकी ऑपेसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको सिंपली फेड को इंक्रीज़ करना है। अगर आप फेड को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी ऑपेसिटी कम हो जाएगी, अगर आप फेड को डिक्रीज़ करोगे बिल्कुल तो इसकी ऑपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर कलर्स अपने देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सियान कलर ले लेता हूँ एंड फेड को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ओके एंड इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली टिक कर लेना है एंड इतना करने के बाद गाइस आपको नीचे जो टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड ऐड फोटो पर क्लिक करना है।
ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपने जो शायरी मीम्स बनाए हैं जिसे आप ट्वीट मीम्स बनाना चाहते हो आपको सिंपली उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो अभी हम सिंपली इस पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से हमारा मीम्स कह सकते हैं शायरी ओपन हो चुका है। तो आप चाहो तो उसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पुट करने में उतना मज़ा नहीं आता यार। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपको फिर जो नीचे आपका टूल का ऑप्शन है उसे आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद इफेक्ट के बाद गाइस ब्लेंड का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करना है एंड इसे स्क्रीन पर ब्लेंड कर देना है। तो गाइस अभी देख सकते हो जो बैकग्राउंड ब्लैक इमेज था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। तो गाइस जब भी आप इमेजेस को ब्लेंड करो आप ध्यान रखना कि बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आप इमेज ब्लेंड करोगे वो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आएगा। तो अभी हमने इसे ब्लेंड कर दिया है एंड हम इसे कुछ इस तरह साइड में रख लेते हैं। एंड इतना करने के बाद गाइस आप यहाँ पर इसकी ऑपेसिटी कम डाउन कर सकते हो, लेकिन ऑपेसिटी कम डाउन मत करना, इमेजेस ख़राब हो जाएगी। जब गाइस आपको लगे कि हाँ कम करने की ज़रूरत है तब आप कम कर सकते हो, ओके। एंड इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली टिक पर क्लिक करना है एंड अब आप इसे सेव कर सकते हो। तो गाइस आप चाहो तो इसे यहाँ से भी सेव करके ट्वीट मीम्स बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एक इफेक्ट और अप्लाई कर दोगे तो जो पूरे इमेज की जो लुक है वो पूरी चेंज हो जाएगी और पहले से बहुत ही ज़्यादा कूल बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एफएक्स के ऑप्शन पर। एंड एफएक्स के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रीसेट्स मिलते हैं जिससे आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप फिल्म 2 का ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने फिल्म 2 को अप्लाई किया है और कितना अच्छा लुक आपको देखने को मिल रहा है इस फोटो में। सो उसके बाद हम गाइस यहाँ पर फिल्म 3 ट्राई करते हैं, इसको भी अप्लाई करने पर बहुत ही ज़्यादा कूल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर अपना फेवरेट इफेक्ट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा फेवरेट है PLRD 3 एंड पर्सनली ये मुझे इफेक्ट बहुत ही पसंद है। सो कि मैं फेड को पहले कम कर देता हूँ एंड इसके जो ब्लर का ऑप्शन है मैं उसे बिल्कुल कम कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी नॉइस को इंक्रीज कर देता हूँ गाइस। एंड नॉइस को इंक्रीज करने के बाद अभी ये कुछ इस तरह का लुक हमें मिल चुका है एंड इसके बाद आपको टिक कर लेना है। तो गाइस अभी आपका जो ट्वीट मीम्स है वो रेडी हो चुका है। तो अब आप इसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो और अब आप इसे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक और कहीं भी शेयर कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे कि हाउ टू क्रिएट ट्वीट मीम्स। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना एंड बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप रह पाओ सबसे अपडेट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। We'll be right back.